काकास कैफे एंड फैमिली रेस्टोरेंट, जहां आपको आपकी पूरी फैमिली के लिए मिलेगा निमाड़ का अपना स्वाद। अंबाड़ी की भाजी, ज्वार की रोटी, दाल बाफले और तमाम स्नैक्स जैसे सैंडविच, चाइनीज और तंदूरी चाय। तो चले आइए हमारे पते पर, इंदौर रोड, खंडवा। बुधवार को अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शहर में जहाँ बड़ी प्रतिमाओं के विसर्जन की धूम रही, वहीं रात को झांकियों का चल समारोह देखने भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। देर शाम से बड़ी प्रतिमाओं के आने का सिलसिला बॉम्बे बाजार में शुरू हो गया था। इन आकर्षक प्रतिमाओं के विसर्जन के जुलूस को देखने के लिए सैकड़ों हजारों लोग बॉम्बे बाजार में पहुंचे, जहां आकर्षक विद्युत सज्जा और आतिशबाजी ने सभी का मन मोह लिया। शहर के पद्मकुंड पर सुबह से ही भगवान श्री गणेश के विसर्जन के लिए लोगों का आना शुरू हो गया था। वहीं बड़ी प्रतिमाओं को क्रेन के सहारे पद्मकुंड में विसर्जित किया गया। छोटे बच्चे, बड़े, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग अपने बप्पा को विदाई देने पूरे सम्मान और विधि विधान से पहुंचे। भगवान श्री गणेश की प्रतिमाओं के विसर्जन के बाद झांकियों का चल समारोह शुरू हुआ, जो पूरी रात जारी रहा। इसमें अखाड़ों के करतब, ढोल ताशों की थाप और झूमते नाचे युवाओं की टोलियां नजर आई। इन झांकियों को देखने और निहारने बड़ी संख्या में भी रात तक लोग जागते रहे। रात्रि में निकले झांकियों के चल समारोह को अनेक स्थानों पर पुरस्कृत किया गया। बॉम्बे बाजार, घंटाघर पर स्टेज बनाए गए थे, इसी तरह बजरंग चौक पर भी स्टेज बना था, जहां झांकियों को पुरस्कृत किया गया। खबरों से जुड़े रहने के लिए न्यूज़ फर्स्ट को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने मनपसंद चैनल की खबरों को लाइक और शेयर करें। हर्ष उपाध्याय, न्यूज़ फर्स्ट, खंडवा।